नमस्कार। ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय 15A अनुपगढ़ के इस YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे जो हमारा लास्ट टॉपिक चल रहा था BSc फाइनल ईयर के लिए SHAB या HSAB सिद्धांत के बारे में। अभी तक हमने उस सिद्धांत के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात की है। सबसे पहले हमने बात की कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में किस प्रकार से बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है और उसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट किस प्रकार से निकाला जाता है। उस स्टेबिलिटी कांस्टेंट का किसी भी अम्ल या क्षार की कठोरता या मृदुता से क्या संबंध होता है, किसी भी अम्ल या क्षार की कठोरता या मृदुता है क्या, उसको कितने वर्गों में बांटा गया है ए और बी जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी। उसके बाद हमने पियर्सन की थ्योरी के बारे में बात की जो कि कठोर और मृदु अम्ल और क्षार को समझाने का काम करती है। इसी में हमने बात की कि कुछ अम्ल कठोर होते हैं, कुछ क्षार कठोर होते हैं, उनको अलग तरीके से वर्गीकृत किया, अलग जगह पर रखा गया और जो अम्ल या क्षार मृदु होते हैं उनको अलग जगह पर रखा गया, और कुछ ऐसे होते हैं जो मृदु भी हो सकते हैं और कठोर भी हो सकते हैं, उनको सीमा रेखा में बॉर्डर लाइन वाले अम्ल या क्षार कहा गया। इसके बारे में हमने बात की। नेक्स्ट हमने बात की कि किसी भी अम्ल की मृदुता और कठोरता का उसकी सामर्थ्य मतलब उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और इसमें हमने इस चीज पर डिस्कस की कि किसी भी अम्ल या क्षार की कठोरता या मृदुता का उसके सामर्थ्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात किसी अम्ल या क्षार का सामर्थ्य और उसकी कठोरता या मृदुता बिल्कुल भिन्न भिन्न चीजें होती हैं, अलग अलग प्रकार की चीजें होती हैं। फिर हमने बात की कि किसी एक पदार्थ को परिस्थितियां बदलकर हम कठोर भी कर सकते हैं, कठोर क्षार या कठोर अम्ल भी बना सकते हैं और मृदु क्षार या मृदु अम्ल भी बना सकते हैं। इस चीज को हम सहजीवन कह रहे थे जॉर्सन के द्वारा 1964 में जो मेथिल का प्रोडक्ट लिया CH3, उसके आधार पर ये सहजीवन की अवधारणा आई। उसके बाद हम बात कर रहे थे कठोरता और मृदुता के जो अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं। मैंने इसमें आपको तीन प्रकार के सिद्धांत बताए थे। सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत होता है जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक। इसके अलावा दूसरा सिद्धांत था पिट्जर सिद्धांत, जिसमें यह कहा गया था कि लिगैंड और मेटल को प्रदर्शित करने का वो सिद्धांत था जिसमें कठोर कठोर के साथ अंतर्क्रिया करता है, मृदु मृदु के साथ अंतर्क्रिया करता है, उसके बारे में हमने बात की। उसके बाद पाई बॉन्ड सिद्धांत, इस सिद्धांत को चेट ने दिया और इस सिद्धांत के अनुसार जो मेटल्स होती हैं डी ब्लॉक की, उनमें डी कक्षकों में ढीले बंधे हुए इलेक्ट्रॉन होते हैं जो लिगैंड के साथ जुड़कर पाई बंध का निर्माण करते हैं, अर्थात बैक बॉन्डिंग जैसी कुछ चीज होती है, ठीक है। तो इन सिद्धांतों के बारे में हमने बात की। आज हम बात कर रहे हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कठोरता और मृदुता के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे मुख्य सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी का सिंपल सा कंसेप्ट है, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी डिपेंड करती है आयनिक और सहसंयोजक, आयनिक और सहसंयोजक मतलब आयोनिक और कॉवलेंट बॉन्ड की थ्योरी पर, आयनिक और सहसंयोजक बंध के सिद्धांत पर। इनका यह कहना है कि कठोर अम्ल और कठोर क्षार, कठोर अम्ल और कठोर क्षार आपस में जब क्रिया करते हैं तो आयनिक प्रकार के बंध का निर्माण करेंगे,
जबकि मृदु अम्ल, मृदु अम्ल और मृदु क्षार आपस में जब अभिक्रिया करते हैं तो सहसंयोजक प्रकार के बंध का निर्माण करेंगे। ये अंतरक्रिया पर आधारित है इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार कठोर कठोर अंतरक्रिया में आयनिक बंध का निर्माण होता है, जबकि मृदु मृदु अंतरक्रिया में सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। अगर किसी का आकार छोटा और धनावेश अधिक है, तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा। अगर किसी का आकार छोटा है और वो धनावेश अधिक है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा कठोर प्रकार का। किस प्रकार का हो जाएगा, कठोर प्रकार का, ठीक है। ये क्या होगा, कठोर प्रकार का अम्ल होगा, मतलब धातु है। और ये किसके साथ क्रिया करेगा, ये करेगा वर्ग ए के कठोर क्षारक के साथ अभिक्रिया, ठीक है। अगर किसी धातु का आकार छोटा है और उस पर काफी ज्यादा धनावेश पाया जा रहा है तो वो क्या होगा, वो एक कठोर प्रकार का अम्ल होगा, धातु होगी। और वो किसके साथ क्रिया करेगी, वर्ग ए अर्थात कठोर क्षार के साथ क्रिया करने को प्रायिकता देगी। अर्थात वर्ग ए, वर्ग ए का अम्ल, वर्ग ए का अम्ल वर्ग ए के क्षार के साथ जब अभिक्रिया करता है, वर्ग ए का अम्ल वर्ग ए के क्षार के साथ जब अभिक्रिया करता है तो उससे किस प्रकार का बंध बनेगा, आयनिक प्रकार का बंध बनेगा और ये क्या होगा, स्थायी होगा, ठीक है। लेकिन अगर वर्ग ए का अम्ल, अगर ये कंडीशन हो, वर्ग ए का अम्ल हो, वर्ग ए का अम्ल हो और वर्ग बी का क्षार हो, तो ये दोनों अगर आपस में अभिक्रिया करें तो इनसे जो उत्पाद प्राप्त होगा, वो क्या होगा, वो होगा अस्थायी प्रकार का, ठीक है। तो इन्होंने यही कहा, इस इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के अनुसार जब कठोर कठोर की अंतरक्रिया होती है तो उससे आयनिक प्रकार का बंध होता है जो कि स्थायी प्रकार का बंध है, और जब मृदु मृदु की अंतरक्रिया होती है तो उससे सहसंयोजक प्रकार का बंध बनता है जो भी एक स्थायी प्रकार का है। तो इसका मतलब यह है कि जब कठोर कठोर आपस में क्रिया करेंगे तब भी स्थायी प्रकार के यौगिक का निर्माण होगा, और जब मृदु मृदु आपस में क्रिया करेंगे तब भी स्थायी प्रकार के यौगिक का निर्माण होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मिसोनो और उसके साथियों ने 1967 में कठोरता और मृदुता को संबंध दर्शाने वाली एक समीकरण प्रस्तुत की। समीकरण है पीके इज इक्वल टू माइनस लॉग के इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये यहां पर क्या है, ये यहां पर है मेटल लिगेंड जो कॉम्प्लेक्स है, जब हम इसको तोड़ेंगे तो उसके तोड़ने पर जो वियोजन का सम्य स्थिरांक आएगा, वो क्या कहलाएगा, के कहलाएगा। एक्स तथा वाई धातुओं के लिए पैरामीटर है, ए तथा बी लिगैंड के लिए पैरामीटर है, ठीक है। मतलब ये समीकरण क्या थी, समीकरण है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी के इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। यहां पर x और y किसके लिए पैरामीटर है, धातु के लिए पैरामीटर्स दिए गए हैं, मतलब धातु को प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं उनके लिए है। और a और b किसके लिए पैरामीटर है, ये लिगैंड के पैरामीटर हैं। और c यहां पर क्या है, c यहां पर कांस्टेंट होता है और लिगैंड के साथ प्रयुक्त किए जाते हैं जिससे कि सारे के सारे जो मान है वो एक पैमाने पर सेट हो जाए। सी का मान कांस्टेंट है क्योंकि सभी मानों को एक किसी स्केल पर सेट करने के लिए केवल यहां पर ऐड किया, इसके अलावा इसका यहां पर कोई महत्व नहीं है। अब देखिए यहां पर एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है और बहुत महत्वपूर्ण प्रकार की चीज है,
वो ये है कि कठोर अम्लों के लिए, अगर कोई कठोर अम्ल होगा तो उनके लिए जो वाई का मान क्या होगा, वाई का मान 2.8 से ज्यादा होगा। कठोर अम्लों के लिए वाई का मान 2.8 से ज्यादा होगा। और आपको ये ध्यान रखना है कि एक्स और वाई दोनों क्या है, धातु के लिए, और धातु यहां पर क्या काम करती है, अम्ल के तरीके से काम करती है। देखो ये ध्यान रखना कि कहीं धातु है तो धातु क्या है, अम्ल है, और यहां पर दो पैरामीटर है, एक्स है और वाई है, और ये दोनों के दोनों किसको प्रदर्शित कर रहे हैं, किसके पैरामीटर है, धातु के पैरामीटर है, ये दोनों धातु के पैरामीटर हैं। अब यहीं पर बात कर रहे हैं हम, देखिए वाई के मान 2.8 से उच्च होते हैं कठोर अम्लों के लिए, और मृदु अम्लों के लिए वाई के मान 3.2 से उच्च होते हैं। अब देखो 2.8 से ज्यादा जिसके लिए होंगे वो क्या हो गया, कठोर। अब इसके ऊपर चलते हैं तो 3.2 आता है, ठीक है, इसके ऊपर चलते हैं तो 3.2 आता है। अब जब 3.2 के बारे में बात करें, देखो यहां पर एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि वाई के मान 2.8 से कम होंगे, यहां पर ये इस चीज को यहां पर आप समझिए, वाई के मान जो होंगे वो 2.8 से कम होंगे, मतलब वाई जो है, वाई के मान 2.8 से कम होंगे, वाई के मान 2.8 से कम होंगे, और जैसे जैसे 2.8 से इसका मान कम होता जाएगा वैसे वैसे क्या होता जाएगा, कठोर होता जाएगा। यहां पर ध्यान रखना उच्च नहीं होते ये क्या होते हैं, 2.8 से कम होते हैं। कठोर अम्लों के लिए वाई के मान 2.8 से कम होंगे, और जो मृदु अम्ल है उनके लिए वाई के मान 3.2 से उच्च होंगे। अब देखो जो मृदु अम्ल है, मृदु अम्ल के लिए आपको ध्यान रखना है, मृदु अम्ल के लिए जो वाई का मान है वो क्या होगा, 3.2 से ज्यादा, 3.2 से ज्यादा। तो अब देखो 2.8 से जो कम है वो तो क्या हो गया, कठोर, 3.2 से जो ज्यादा है वो क्या हो गया, मृदु, और 2.8 से 3.2 के बीच में, देखो 2.8 से 3.2 के बीच में तो हमने कोई पैरामीटर सेट नहीं किया, इनके बीच में क्या होगा, इनके बीच में आएंगे सीमा रेखा वाले अम्ल, ठीक है, सीमा रेखा वाले अम्ल, ठीक है। इसको एक बार यहां पर आप और समझ लीजिए, मैं यहां पर आप इसको करवा देता हूं, ठीक है। हमारे पास एक समीकरण होती है ये लॉग के, या इसको लिख सकते हैं पीके इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ठीक है। यहां पर x और y क्या है, धातु का पैरामीटर, ठीक है, और यहां पर a और b क्या है, लिगेंड का पैरामीटर, ठीक है, और c यहां पर क्या है, स्थिरांक, तो यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि अगर y जो है, y की वैल्यू 2.8 से कम हो, y की वैल्यू 2.8 से कम हो तो वो क्या होगा, कठोर अम्ल, मतलब 2.8 से जितनी कम होती जाएगी उतनी उसकी कठोरता बढ़ती जाएगी। और अगर y की वैल्यू 3.2 से ज्यादा हो तो वो क्या हो जाएगा, मृदु अम्ल। वाई की वैल्यू 2.8 से ज्यादा है, 2.8 से कम है, वाई छोटा है, 2.8 बड़ा है, इससे कम कुछ भी हो सकती है, 0.3, 0.4, 0.5, 1, 2, ऐसा कुछ भी, ठीक है। अगर वाई की वैल्यू 3.2 से ज्यादा है, 3.3, 3.4, 5, 7 इस तरीके से, तो मृदु है। अब अगर वाई 2.8 से 3.2 के बीच हो, अगर y की वैल्यू 2.8 से 3.2 के बीच हो तो इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है सीमा रेखा वाले अम्ल। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में मिसोनो ने एक समीकरण दी पीके इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। यहां पर x और y धातु के लिए पैरामीटर है,
जबकि ए और बी लिगेंड के लिए पैरामीटर है और सी यहां पर एक स्थिरांक है जो कि इनके वैल्यू को एक पैमाने पर एडजस्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वाई के सापेक्ष हम अम्लों की, क्योंकि धातुएं अम्ल होती हैं, ठीक है, धातुओं का पैरामीटर, या हम इसको यहां पर लिख सकते हैं अम्ल का पैरामीटर, ठीक है, अम्ल का पैरामीटर। तो अगर हम बात करें एक्स और वाई, तो अम्ल के सापेक्ष, ये धातुओं के सापेक्ष यहां पर अम्ल का पैरामीटर है, तो वहां पर क्या होगा, वाई का मान अगर 2.8 से कम है तो वो क्या हो जाएगा, कठोर अम्ल, और वाई का मान अगर 3.2 से ज्यादा है तो वो क्या हो जाएगा, मृदु अम्ल, और अगर वाई का मान किसी भी समीकरण के लिए, किसी भी धातु के लिए, किसी भी अम्ल के लिए, अगर वाई का मान 2.8 और 3.2 के बीच में है तो उसको हम क्या कहेंगे, सीमा रेखा वाले अम्ल कहेंगे। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब हम यहां पर कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए लिथियम क्या है, लिथियम कठोरतम अम्ल है क्योंकि वाई का मान देखो 2.3 से ऊपर की तरफ अपने जाएंगे, मतलब 2.3 से वैल्यू कम होती जाएगी तो कठोरता का मान बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब लिथियम सबसे ज्यादा कठोर अम्ल है। उसके बाद Al+3 लिथियम प्लस आयन के रूप में Al+3 Mg+2 Na+ K+ Ca+2 और Fe+3। तो आपने देखा कि इसके ऊपर जितनी भी धातुएं हैं ये क्या है, सक्रिय है, ये क्या है, अधिक सक्रिय प्रकार की धातुएं हैं, तो ये सारी की सारी क्या होंगी, कठोर होंगी। अब देखिए इसके बीच में, मतलब यहां से लेकर और इसके अलावा 2.96 तक, यहां तक ये सीमा रेखा वाले हैं, और 3.2 के बाद में 3.17 तक भी, यहां तक ये सारे के सारे क्या है, ये सीमा रेखा वाले हैं, और इसके बाद में नीचे की तरफ जब हम आते हैं Ti+3 Cu+2 Pb+2 Ti+ Hg+2 और Rb+, तो इसके क्या होगी, इसके लिए वाई का मान 3.2 से ज्यादा हो रहा है तो इसमें क्या हो जाएगा, मृदु अम्ल हो जाएगा। तो डायरेक्ट सी इसके अंदर एक पैटर्न है, सीधा साधा, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे लिगेंड हैं उनके लिए, ठीक है। तो लिगेंड में एक सामान्य प्रकार से एक पैटर्न है, यहां पर घटती हुई, ऊपर वाले कठोर होते हैं और नीचे वाले क्या होते हैं, मृदु होते हैं। बी के मान लिगेंड के पैरामीटर कठोरता से मृदुता पर इनके मानों में वृद्धि होती जाती है, तो इसका मतलब यह है कि एक्स और वाई, ए और बी किसके लिए था, लिगेंड के लिए, ए और बी किसके लिए था, लिगेंड के लिए, हम यहां पर बी के बारे में बात करते हैं, बी लिगेंड के लिए है। बी की वैल्यू जितनी कम होगी, उसकी कठोरता, मतलब क्षार की कठोरता, कठोर क्षार उतना ही ज्यादा होगा। तो देखिए बी की वैल्यू यहां पर क्या है, बी की वैल्यू 0.40 कठोर क्षार हो गया, उसके बाद में वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई तो थोड़ा सा मृदु, उसके बाद में वैल्यू और बढ़ गई और मृदु और मृदु और मृदु और H2O3-2 सबसे ज्यादा मृदु होता है। तो इसका मतलब बी, इसका मतलब ये है कि जब हम बात करते हैं बी के बारे में, तो बी किसके लिए है, लिगेंड का पैरामीटर है, ठीक है। और बी की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, बी की वैल्यू अगर ज्यादा होगी, तो कठोरता कम हो जाएगी, ठीक है, कठोरता कम हो जाएगी किसकी, क्षार की, क्योंकि बी किसके लिए है, क्षार के लिए है। तो देखिए OH- इसके लिए 0.40 सबसे ज्यादा कठोर, उसके बाद NH3 1.08, उसके बाद Cl, उसके बाद Br, उसके बाद I और लास्ट में H2O3। तो X को भी कठोरता के माना जा सकता है, और X और Y दोनों ही कठोरता के मापी है, और इसके द्वारा जो निर्धारित है वो किस तरीके से है, Mn है, Fe है, Co है, निकल है और कॉपर है। तो सबसे ज्यादा तो वही है, सक्रिय धातु है, Mn काफी सक्रिय होती है, +7 तक इसकी ऑक्सीकरण अवस्था जाती है। तो इसका मतलब एक सिंपल सी चीज है, जिसका आकार छोटा, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था ज्यादा, वो क्या होगी, कठोर, जिसका आकार बड़ा, जिसकी ऑक्सीकरण अवस्था कम, वो क्या होगी, मृदु। तो देखिए
इन सभी की ऑक्सीकरण अवस्था एक जैसी है, लेकिन आकार में बदलाव आ रहा है, ठीक है, आकार बड़ा हो रहा है, इस तरीके से इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो बराबर है, लेकिन इस आकार की वजह से इनका जो कठोरता और क्षारकता है वो निर्धारित होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक के सिद्धांत के अंदर हमने ये पढ़ा कि कठोर के आपस में जब अंतर्क्रिया होती है तो उससे आयनिक बंध का निर्माण होता है, और मृदु के आपस में कोई अंतर्क्रिया होती है तो उससे सहसंयोजक बंध का निर्माण होता है। इसका मतलब ये हुआ, उसको आप थोड़ा देख लीजिए, इसका मतलब ये हुआ कि कठोर के साथ में अंतर्क्रिया को ज्यादा प्रायिकता देता है, क्योंकि अगर उनकी आपस में अंतर्क्रिया होगी तो उससे उनका अनुमान है, उससे उनके बीच में जो स्थायी रूप से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा और उसका स्थायित्व तो बढ़ जाएगा। लेकिन मृदु को देता है क्योंकि उसके बीच में भी एक सहसंयोजक प्रकार का बंध बन जाएगा और स्थायी हो जाएगा वो, लेकिन कठोर मृदु के आपस में और मृदु कठोर के अगर आपस में विक्रिया होती है तो उससे स्थायी प्रकार के संपूर्ण का निर्माण नहीं होता। उसके बाद मशीनों की हमने यहाँ पर एक देखा कि उन्होंने एक समीकरण दिया है, उस समीकरण के आधार पर एक्स और वाई और ए और बी क्या होता है उसके बारे में बात की, और उसके आधार पर हमने कठोरता और मृदुता के बारे में बात की। चलिए ये होगा कंप्लीट, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं विद्युत ऋणात्मकता एवं कठोरता और मृदुता, मतलब किसी स्पीशीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, ध्यान रखना मैं स्पीशीज शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, किसी स्पीशीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या प्रभाव पड़ता है, किसी स्पीशीज की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या प्रभाव पड़ता है, परमाणु की नहीं स्पीशीज की। स्पीशीज का मतलब होता है जिसके ऊपर कोई पॉजिटिव नेगेटिव यहां पर कोई चीज है, ठीक है। तो सामान्य कथन ये है कि हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी होगी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली जो स्पीशीज होगी, हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली जो स्पीशीज होगी वो क्या होगी, कठोर होगी, और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाली जो स्पीशीज होगी वो क्या होगी, स्पीशीज जो होगी वो क्या होगी, मृदु होगी। तो ये ध्यान रखना है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाली स्पीशीज कठोर होती है जबकि कम विद्युत ऋणात्मकता वाली स्पीशीज मृदु होती है। ध्यान ये जरूर रखना है कि हम यहां पर परमाणु की बात नहीं कर रहे, परमाणु की बात नहीं कर रहे कि किसी परमाणु के लिए कितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, या किसी जो हमारे पास में परमाणु कोई भी है, जैसे हम अगर परमाणु के बारे में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हैलोजन के परमाणु की होती है, तो उसका मतलब वो कठोर होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्पीशीज के बारे में। स्पीशीज का मतलब है, देखिये यह स्मरण रखने की है कि आयनों की बात करते हैं परमाणुओं की नहीं। लिथियम परमाणु Li की विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम है, लेकिन फिर भी Li प्लस जो होता है ये एक कठोर प्रकार का अम्ल है। Li की विद्युत ऋणात्मकता बहुत कम है लेकिन फिर भी Li प्लस क्या होता है, कठोर प्रकार का अम्ल होता है। उसका रीजन क्या है कि Li प्लस की विद्युत ऋणात्मकता बहुत अधिक होती है, Li प्लस की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, अधिक होती है, Li प्लस की विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। इसका रीजन क्या देखो, इसका रीजन यह है कि लिथियम जो है तीन नंबर पे आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसकी उसका जो एटॉमिक नंबर है वो तीन है, ठीक है। जब हम इस लिथियम के बारे में बात करते हैं तो इस लिथियम में यहां पर ये इसका यहां पर बना देता हूं इसको, यहां पर ये लिथियम है और इसके ऊपर यहां और इसके ऊपर यहां, ठीक है। हमने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन यहां पर डाल दिए, एक इलेक्ट्रॉन यहां पर। अब जब मैं यहां से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूंगा तो ये क्या बन जाएगा, Li प्लस होने पर ये इसके पास में चला गया, ठीक है, इसके पास में चला गया नाभिक के, तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी बना देगा, इसी वजह से इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा होती है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, इसके विपरीत कम ऑक्सीकरण अवस्था में संक्रमण धातुओं जैसे Cu प्लस Ag प्लस के आयनन विभव के मान कम होते हैं, अतः इनकी विद्युत ऋणात्मकता के मान भी कम होंगे। जिसके आयनन विभव के मान कम होंगे उनकी विद्युत ऋणात्मकता के मान भी कम होते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन को जितनी आसानी से बाहर निकाल देता है
वो उतनी आसानी से उसको खींच नहीं सकता। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब होता है बॉन्ड में अटैच या बंद से जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन को, बंद में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करना, बंद में बंधे हुए इलेक्ट्रॉन को खींचना। और आयनियन विभव का मतलब होता है किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश में, किसी भी परमाणु या स्पीशीज के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा या रिक्वायर्ड एनर्जी जो होती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, तो विद्युत ऋणात्मकता का मान भी कम होता है। कठोर विद्युत ऋणात्मकता के संबंध से यह बात याद की जा सकती है कि मैथिल समूह की तुलना में ट्राईफ्लोरोमैथिल समूह पर्याप्त कठोर क्यों है। अब यहां पर देखिए, इसके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि CF3 और CF3 में से ये तो क्या होता है, ये तो होता है मृदु और ये होता है कठोर, क्योंकि यहां पर F लगा हुआ है और F की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, ज्यादा होती है, जबकि यहां पर H लगा हुआ है और H की विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, कम होती है। जब H की विद्युत ऋणात्मकता कम होगी तो उसका मतलब वो कठोरता पर आएगा नहीं, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है वैसे वैसे हार्ड होने की टेंडेंसी भी बढ़ती है, उसके कठोर होने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मुलिगन जैफ ने अपने विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा में दो पैरामीटर का उपयोग किया है, ए और बी का। ए आयनन ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो ग्राफ है उसका फर्स्ट डेरिवेटिव व्युत्पन्न है और बी इसका सेकंड व्युत्पन्न है। इनमें से पद ए मुलिगन की मूल विद्युत ऋणात्मकता के समरूप है, मतलब जैसे उसने विद्युत ऋणात्मकता की बात की वही ए है, जबकि बी जो होता है वो किसी परमाणु के ऊपर जो आवेश पाया जाएगा, चार्ज पाया जाएगा, उसका रिवर्स होता है, उसका व्युत्क्रम होता है, उसका प्रोपोर्शनल रिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो बी इज इक्वल टू 1/kappa, और kappa यहां पर क्या होता है, चार्ज। विद्युत ऋणात्मकता एवं कठोरता का संबंध इसी बी के ऊपर ही निर्धारित होता है। फ्लोरीन के लिए बी के मान काफी उच्च होते हैं, यह न केवल ऋणायन के रूप में कठोर है जबकि ट्राईफ्लोरो मैथिल समूह को मैथिल की तुलना में कठोर बताता है। तब देखो, फ्लोरीन जो होता है, फ्लोरीन के लिए बी की वैल्यू क्या हुई, हायर हुई। हम यहां पर बी के बारे में बात कर रहे हैं, बी हमने पीछे बात की है, वो हम लिगेंड के अंदर बात कर रहे थे। ठीक है, तो यहां पर बी की वैल्यू फ्लोरीन के लिए उच्च होगी, और फ्लोरीन के लिए उच्च होगी तो इसकी क्या हो जाएगी, कठोरता भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, कठोरता भी ज्यादा हो जाएगी। इसी वजह से जब हम इसके साथ तीन फ्लोरीन लगा देंगे, कार्बन के साथ तीन फ्लोरीन लगा देंगे, ट्राईफ्लोरोमेथिल बन गया और ये कठोर हो गया, जबकि कार्बन के साथ तीन हाइड्रोजन लगते हैं तो ये मेथिल होता है, इस वजह से ये थोड़ा सा मृदु होता है। ठीक है, उसके बाद पार और पियर्सन ने धातु और लिगेंड के कठोर और मृदु गुणों को बी पद का उपयोग किया, और मुलिगन जैफ द्वारा ए पद को दिए गए नाम। अब ए जो होता है, मुलिगन और जैफ ने जब अपनी विद्युत ऋणात्मकता की परिभाषा बताई तो उसमें ए को क्या कहा था, ए को कहा था एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और इसी तरीके से बी को यहां पर क्या कहा जाता है, एब्सोल्यूट हार्डनेस या परम कठोरता, और इसकी परिभाषा होती है नीटा इज इक्वल टू IP-IEA/2। ठीक है, ये क्या है, ये परम कठोरता है, इज इक्वल टू IP-EA/2। IP यहां पर क्या है, आयोनाइजेशन पावर, और EA क्या है, EA है इलेक्ट्रॉन बंधुता। मैं इसको यहां पर आपको थोड़ा सा बता ही देता हूं, देखिए परम कठोरता किसका टर्म है, बी का। इसको लिखा कैसे जाता है, एटा से, एटा इज इक्वल टू IP-EA/2, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, IP-EA/2। IP यहां पर क्या है, IP यहां पर है आयोनाइजेशन पावर या आयनन विभव या आयोनाइजेशन पोटेंशियल, और EA यहां पर क्या है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो इसका मतलब परम कठोरता जिसको ईटा से प्रदर्शित करते हैं वो क्या होती है, वो होती है आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के अंतर का आधा। तो परम कठोरता की परिभाषा क्या है, परम कठोरता क्या होती है, परम कठोरता होती है किसी भी लिगेंड या किसी भी धातु के लिए, किसी भी अम्ल या क्षार के लिए, उसके
या किसी भी स्पीशीज के लिए उसके आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता के अंतर का आधा भाग या आधा मान क्या कहलाता है, नीटा कहलाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, परम कठोरता या एब्सोल्यूट हार्डनेस कहते हैं। ध्यान रखना परम कठोरता के ऊपर क्वेश्चन भी आता है, पूछा भी जाता है, एक नंबर का क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है कि परम कठोरता क्या होती है और किस तरीके से इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो परम कठोरता क्या होती है, परम कठोरता होती है, नीटा से इसको प्रदर्शित करते हैं, बी की टर्म है ये, और ये होती है किसी भी स्पीशीज के लिए उसके आयनन विभव और उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बंधुता के अंतर का आधा क्या होता है, इसकी परम कठोरता कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, कठोर मृदु अम्ल क्षार संबंध की अंतर्क्रिया की व्याख्या करने के लिए परम कठोरता के जो कंसेप्ट है उसका प्रयोग किया जाता है। HSAB सिद्धांत के प्रारंभ से परमाणुओं को सीमांतक कक्षकों के बारे में विचार किया, जैसे दो प्रकार के कक्षक हमने पहले बात की थी, एक होमो होता है हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक ल्यूमो होता है जिसको बोलते हैं लोएस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नीचे और ऊपर। इसके बारे में और लूमो इंट्रैक्शन पर डिपेंड करते हैं, मतलब जैसे अगर हम बात करें इस तरीके से दो कक्षक हैं, ठीक है, ये कौन सा है पाई है और ये कौन सा है पाई स्टार है, यहाँ पर सिग्मा है और यहाँ पर क्या है सिग्मा स्टार है। हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें भी भरे हुए हैं और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इसमें भी भरे हुए हैं और ये क्या है खाली है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तो होमो होगा, ये वाला होमो होगा, ठीक है, ये होमो होगा, ठीक है। मतलब ये क्या है हाईएस्ट ऑक्युपाइड, ये इसकी ऊर्जा, ये ऊर्जा इस तरीके से बढ़ रही है, इसकी ऊर्जा क्या है सबसे ज्यादा, लेकिन ये भरा हुआ है, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे होमो कहेंगे। लेकिन पाई स्टार जो है, पाई स्टार की ऊर्जा तो कम है, मतलब इसकी तुलना में तो ऊर्जा कम है, लोएस्ट तो यही है, लेकिन ये खाली है, तो इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे ल्यूमो। होमो और ल्यूमो दो कंसेप्ट होते हैं। अब कूपमैन थ्योरम है, उसके अनुसार किसी बंद कोश स्पीशीज के लिए जो जिसके को जो कोश है वो कंप्लीट है बंद है के लिए होमो का ऊर्जा स्तर आयनन ऊर्जा को दर्शाता है, मतलब ये वाला ऊर्जा स्तर तो किसको दर्शा रहा है होमो, होमो किसको दर्शा रहा है, होमो दर्शा रहा है आयनन ऊर्जा को, क्योंकि वहीं से तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, यहीं से तो इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, यहां पर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। जबकि ल्यूमो का ऊर्जा स्तर उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता को प्रदर्शित करता है। तो इसके एक बार आप वापस देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि होमो और ल्यूमो क्या होता है। हम बात करते हैं, हमारे पास चार प्रकार के स्तर होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के लिए, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये। मान लीजिए सिग्मा है, ये पाई है, ये क्या है पाई स्टार है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और ये क्या है सिग्मा स्टार है। इनकी एनर्जी किस तरीके से बढ़ती है, इनकी ऊर्जा बढ़ती है इस क्रम में। हमारे पास चार इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन हम यहां पर भर देंगे, दो इलेक्ट्रॉन हम यहां पर भर देंगे। अब देखिए ये दोनों क्या है, ये दोनों BMO है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, ये है ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है, बीच में एक एन भी होता है, नॉन बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं उसको N से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हम यहां पर केवल समझने के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो होमो कौन सा होगा, ये होगा HOMO हाईएस्ट, मतलब जिसकी एनर्जी हाईएस्ट है लेकिन उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, एनर्जी तो उसकी हाईएस्ट है लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, HOMO होमो हाईएस्ट ऑक्युपाइड, ऑक्युपाइड का मतलब होता है भरा हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और ये कौन सा होगा, ये होगा ल्यूमो। अब इसके ऊपर एक और भी है लेकिन इसकी एनर्जी क्या है कम है, तो ये लोएस्ट होगा, इसकी एनर्जी कम है तो ये लोएस्ट होगा, ऊपर से तो क्या होगा लोएस्ट अनऑक्युपाइड, मतलब खाली भी है और निम्नतम भी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो जब हम यहां से, अब कूपमैन क्या कहता है, कूपमैन ये कहता है कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, आयनन ऊर्जा क्या है, किसी बाह्यतम कोश में से इलेक्ट्रॉन निकालने की क्षमता या उसके लिए आवश्यक ऊर्जा, तो बाह्यतम कोश कौन सा है होमो, तो यहां से जो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं उसके लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी है, रिक्वायर्ड एनर्जी तो क्या कहलाती है आयनाइजेशन पोटेंशियल कहलाती है, और यहां पर जब इलेक्ट्रॉन आएगा इसको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यहां पर जब हम इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए, इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाती है। मतलब ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन जोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहलाएगी और होमो में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा इलेक्ट्रॉन विभव कहलाएगी, आयनन विभव कहलाएगी।
इसको थोड़ा समझ लीजिए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया एनम, यही चीज यहां पर देखिए, ठीक है। होमोलोम के कठोर स्पीशीज जो होती हैं उनमें होमोलोमों के मध्य ऊर्जा का अंतर अधिक होता है, जबकि मृदु स्पीशीज में होमोलोमों के मध्य ऊर्जा का अंतर कम होता है। अब यहां पर यह बताया गया कि जो कठोर होंगे, कठोर में होमोल्यूमो ऊर्जा अंतर क्या होगा, ज्यादा, जबकि मृदु में होमोल्यूमो ऊर्जा अंतर क्या होगा, कम। तो ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। तो इसको हम यहां पर भी लिख सकते हैं कि LuMO- HOMO अगर क्या है, लेस है, कम है, तो ये क्या होगा, मृदु। और अगर LuMO- HOMO एनर्जी है, अगर ये हायर है, तो ये क्या होगा, कठोर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, इसी में नेक्स्ट देखिए, अब वहां पर ये कठोरता है, अब उसी के अंदर हम क्या कर दें, दोनों अगर मिश्रित हो जाएं, मतलब अगर हम बात करते हैं होमो और लोमो के, अगर ये मिश्रित हो जाएं, तो ध्रुवणता की व्याख्या कर सकते हैं मृदु परमाणुओं के लिए। पर्टजर ने परमाणु ध्रुवणता और बी पैरामीटर के मध्य संबंध को दर्शाया इस प्रकार की, परस्पर ध्रुवणता से जब ये मिक्स हो जाते हैं ध्रुवणता उत्पन्न हो जाती है, इलेक्ट्रॉन अभ्र क्या होता है, विकृत हो जाता है, जिससे प्रतिकर्षण कम हो जाएगा और इससे अतिरिक्त इन स्पीशीज के युग्मित सिग्मा दान और पाई पश्च आबंधन से वृद्धि हो जाती है। इसमें क्या होता है कि जैसे इनका जब इलेक्ट्रॉन का जो अभ्र है वो विकृत हो गया, तो विकृत होने से क्या करने लग जाएंगे, दो चीज करने लग जाएंगे, एक तो जुड़े हुए जो युग्मित सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उनको दान करने लग जाएंगे, और दूसरा बैक बॉन्डिंग करने लग जाएंगे, जिससे इनके बीच में पर्याप्त रूप से क्रिया हो जाएगी, ठीक है। LIF दोनों कठोर, ये सब के सब इलेक्ट्रॉनिक श्रेणी के सदस्य हैं, प्रबल बंध है, और सबसे ज्यादा प्रबल बंध कौन सा है, LIF, इनमें सबसे ज्यादा प्रबल बंध कौन सा है, LIF। इसका रीजन क्या होता है कि ये कठोर प्रकार की अंतर्क्रिया है, यहां पर दोनों कठोर प्रकार की अंतर्क्रिया है। अब अगर इसकी हम गणना करें तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहां पर 25% तो सहसूचक बंध है, 50% यहां पर आयनिक बंध है, जो 25% है वो है ऊर्जा कम निर्वृत्ति इस लिथियम से इलेक्ट्रॉन घनत्व के फ्लोरीन पर ट्रांसफर होने से प्राप्त होती है, तो चार प्रकार से प्राप्त होती है, 25% सहसूचक बंध से, ठीक है, उसके बाद 50% आयनिक बंध से, और 25% इसके इलेक्ट्रॉन लिथियम के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन की तरफ ट्रांसफर होने से बनती है। तो सबसे ज्यादा यहां पर क्या हुआ है, सबसे ज्यादा यहां पर क्या है, आयनिक बंध, आयनिक बंध। तो इसी के आधार पर जो हमने पहले इलेक्ट्रॉनिक बंध पढ़ा था, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत पढ़ा था, वो भी तो यही बताता है कि इनमें आयनिक बंध होता है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी किसके कारण रिलीज हो रही है, आयनिक बंध से। तो इसका मतलब कठोर और कठोर के बीच में आयनिक बंध पाया जाता है, ठीक है। अब यहां पर नेक्स्ट SHAB सिद्धांत में EA EB CA CB तंत्र के साथ जुड़ा गया। EA और EB किसको दर्शाता है, अगर किसी SHAB में EA और EB है तो ये तो क्या दर्शाएगा, आयनिक को, और इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ये कौन सी क्रिया है, कठोर क्रिया है। और किसी इसी प्रकार के तंत्र में CA और CB है तो ये किसको दर्शाएगा, सहसंयोजक को, और इसके आधार पर हम क्या कह सकते हैं कि ये किस प्रकार की है, मृदु प्रकार की अंतर्क्रिया होती है, ठीक है। अब इसके बाद का जो पैरामीटर्स हैं यहाँ पर अलग अलग प्रकार के, इसको थोड़ा सा देख लीजिए, ईए और ईबी जो है आयनिक बंध के पैरामीटर होते हैं, जबकि सीए और सीबी जो होते हैं ये सहसंयोजक बंध के पैरामीटर होते हैं। तो आज हमने कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में बात की, उसमें हमने सबसे पहले जो बात की है वो बात की है कठोर मृदु के सिद्धांत के बारे में, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के बारे में बात की, वहां पर एक स्पष्ट तौर पर ये चीज थी कि कठोर में आयनिक प्रकार का बंध होता है, जिसको हमने यहाँ पर सिद्ध किया, और मृदु में सहसूचक प्रकार का बंध होता है। उसके वहां पर एक समीकरण के बारे में बात की, समीकरण के आधार पर वाई के विभिन्न मान आए, वाई के मान अगर 2.8 से कम होते हैं तो वो कठोर होता है, कठोर अम्ल होता है, वाई के मान अगर 2.8 3.2 से ज्यादा होते हैं तो वो कठोर क्षार होता है, इनके बीच में क्या होता है, ये
सीमा रेखा वाले अम्ल होते हैं। उसके बाद हमने बी के बारे में बात की लिगैंड के संदर्भ में, तो लिगैंड के संदर्भ में जब हम बात करते हैं तो बी की वैल्यू बढ़ने के साथ साथ उनकी मृदता बढ़ती जाती है। नेक्स्ट हमने बात की विद्युत ऋणात्मकता और कठोरता मृदता में क्या संबंध है, तो वहां पर एक सिंपल सा कंसेप्ट काम करता है कि स्पीशीज की विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा होगी, ध्यान दीजिए परमाणु की नहीं स्पीशीज की, स्पीशीज का मतलब होता है आयनिक प्रकार की कोई स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो, किसी स्पीशीज की विद्युत ऋणात्मकता जितनी अधिक होगी वह उतनी ही कठोर होगी। इसी आधार पर Li प्लस जो होता है एक कठोर प्रकार का अम्ल है क्योंकि उसकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत ज्यादा होती है। उसी के आधार पर हमने एक बहुत अच्छे टर्म के बारे में बात की जिसको हम परम कठोरता कहते हैं, नीटा से इसको प्रदर्शित किया जाता है, नीटा इक्वल टू आई पी माइनस ई ए अपॉन टू, अर्थात जो आयनन विभव और इलेक्ट्रॉन बंधुता है इनके अंतर का आधा परम कठोरता कहलाता है, मुलिकन वगैरह ने दिया। उसके बाद कूपमैन प्रमेय ये कहती है कि दो प्रकार के कक्षक होते हैं, एक होते हैं होमो एक होते हैं ल्यूमो, इनमें से जो होमो होते हैं वो तो हाईएस्ट ऑक्युपाइड होते हैं मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं सबसे ज्यादा ऊर्जा उसकी, और ल्यूमो जो होते हैं वो अनऑक्युपाइड होते हैं और लोएस्ट होते हैं मतलब उसकी ऊर्जा कम है लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, होमो से ज्यादा है वैसे कम है। तो अब ये कहा गया कूपमैन के अनुसार कि होमो में से अगर इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तो वो तो आयनन विभव के बराबर होगा और ल्यूमो में इलेक्ट्रॉन को देंगे तो वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन बंधुता के, और इन दोनों का अंतर जितना ज्यादा होगा, अगर अंतर ज्यादा है तो वो कठोर प्रकार का है और अगर अंतर कम है तो वो क्या होगा, मृदु प्रकार का है। ठीक है, उसी इंट्रैक्शन से अगर कठोर कठोर में इंट्रैक्शन होता है तो उसको हमने यहाँ पर सिद्ध किया कि लिथियम और फ्लोरीन आपस में इनका जो बंध है वो सबसे ज्यादा प्रबल है क्योंकि इसमें 50% आयनिक बंध के गुण पाए जा रहे हैं, 25% इसमें सहसूचक के गुण पाए जा रहे हैं और 25% लिथियम द्वारा फ्लोरीन को इलेक्ट्रॉन बैक बॉन्डिंग के गुण पाए जा रहे हैं। तो इसका मतलब वही सिद्धांत, इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत यहाँ पर प्रूव होता है जिसके आधार पर हम ये कहते हैं कि जो कठोर कठोर या मृदु मृदु जो कठोर कठोर अंतर्क्रिया होती है उसके अंदर आयनिक प्रकार के बंध होते हैं, जबकि जो मृदु मृदु अंतर्क्रिया होती है उसके अंदर जो सहसूचक प्रकार के बंध होते हैं। तो आज हमने इन सब टॉपिक्स के बारे में बात की, नेक्स्ट दो लेक्चर के अंदर आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा ये पार्ट है और उसके बाद अच्छे से भी सिद्धांत के कुछ अनुप्रयोग हैं, पियर्सन पॉलिंग विरोधाभास है, करने की कोशिश की जाएगी, अगले दो लेक्चर में इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो तब तक आप इसको देखते रहें, अगर आपको कोई भी किसी भी प्रकार की इसमें प्रॉब्लम आती है, कुछ समझना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट मुझे कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।